तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं। मैं हूं इस वक्त अंधेरी में। जी हां, आज हम जाएंगे अहमदाबाद मुंबई से लोकशक्ति एक्सप्रेस में 22927, और ये ट्रेन डेली ऑपरेट करती है। और इस ट्रेन के कुछ बेनिफिट्स हैं, भले ये ट्रेन बहुत ज़्यादा रुकती है, इंस्टेंट मेरे समझ से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तीसरी सबसे ज़्यादा स्टॉप वाली ट्रेन है मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। देखूंगा मैं जर्नी कैसी रहती है, एक्सपीरियंस कैसा रहता है, इतने हॉल्ट्स होने के बावजूद स्लीप कम्फर्टेबल रहती है कि नहीं, क्योंकि ये प्योरली ओवरनाइट ट्रेन है। हम करीबन 8 बजे तक अंधेरी से निकलेंगे, 7:50 का एक्चुअली टाइम है, और फिर हम सुबह 4:30 बजे ही अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएंगे अहमदाबाद। ये ट्रेन की एक बहुत बड़ी बेनिफिट ये है कि ये अंधेरी रुकती है, और अगर आप अंधेरी सेंट्रल लाइन से आ रहे हैं तो आपके पास मेट्रो की सुविधा है और आप बहुत फटाफट आ सकते हैं। कोई भी लोकल ट्रेन सेंट्रल रेलवे से पकड़िए, जहाँ पर भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्पेशली अगर आप घाटकोपर से थाने या कल्याण के बीच में कहीं रहते हैं, तो अगर आप दादर से आ रहे हैं तो आपको इवनिंग रश मिल सकता है। खैर, आप फिर घाटकोपर से मेट्रो पकड़ेंगे, मेट्रो से फिर आप अंधेरी उतरिए। अंधेरी से जैसे ही उतरेंगे तो आप बोर्ड फॉलो करिए, वेस्टर्न रेलवे के बोर्ड भी लगे हैं। आपको ये भी दिखेगा कि एक एग्जिट पॉइंट है जहाँ पे आपको स्ट्रेट आना है, और वहाँ से जब आप स्ट्रेट आएंगे तो बिना कोई ब्रिज चढ़े या उतरे अंधेरी स्टेशन पे आप पहुँच जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। जनरली वहीं पे हमारी ट्रेन आती है। तो चलिए, ट्रेन आती है तो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस ट्रेन का सफ़र कैसा रहता है अहमदाबाद के लिए। वलसाड शेड का WP4 लोकोमोटिव 22703 हमारी ट्रेन को लेकर अंधेरी स्टेशन पे आया है, और इस ट्रेन का स्टॉप विरार, पालघर, बोईसर, धर्मपुर और कई सारी जगहों पे, लेकिन ये 4 जगह इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि काफ़ी लोकल पैसेंजर्स भी स्लीपर क्लास में आ जाते हैं, तो आपको इस परेशानी का सामना शायद करना पड़ सके, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो रीचिंग टाइम ये चारों स्टेशन पे 10 या उसके आसपास तक हो जाते हैं, या मैक्सिमम 11 तो आप पकड़ ही लीजिए कि धामी रोड तो पार हो ही जाएगा, तो इसलिए लोकल पैसेंजर्स काफ़ी आ जाते हैं। मेरी जर्नी तो 3 AC में। चलिए, अब ट्रेन रुकती है तो अंदर चलते हैं। शाप 8 बजे चल दिए ट्रेन, यानी कि 2 मिनट का मुश्किल से स्टॉप लिया ट्रेन और चल दिए। चलिए अब आपको कोच लेआउट दिखा दूं। बेडिंग एडिंग दिया है और चार्जिंग पॉइंट भी आपको दिखा दूं। ये 3 चार्जिंग पॉइंट इधर है, 3 उधर है, हुक्स भी है और बॉटल होल्डर शायद नीचे हैं। जी हाँ, बॉटल होल्डर नीचे हैं। उस तरफ भी आपको दिखा दूँ, वहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट है और एक ऊपर चार्जिंग पॉइंट है। तो ये था कोच का लेआउट, और मेरे हिसाब से कोच का लेआउट तो सही है। ऐसा एक्चुअली कोच का लेआउट सब ट्रेन में होना चाहिए, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट तो आजकल मस्ट हो गया। ये तो ओवरनाइट जर्नी, आप घर से या ऑफिस से कहीं से भी आ रहे हैं, चार्ज करके आ गए, कोई ऐसा दिक्कत होना नहीं चाहिए। लेकिन इफ़ इन केस अगर आप लॉन्ग जर्नी में और एक दो जब चार्जिंग पॉइंट रहते हैं, भाई साहब दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं जब डिब्रूगढ़ राजधानी में ट्रैवल किया था, वो व्लॉग ऑलरेडी चैनल पर आप देख सकते हो, सबसे पहले ही डिसअपॉइंटिंग पार्ट वही लग रहा। उतनी लंबी जर्नी में सिर्फ 2 चार्जिंग पॉइंट रहे 6 सीट के बीच में, मसला बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। कभी कभार इसी चीज़ पे झगड़े भी हो जाते हैं कितनी बार। खैर, आई होप जैसे जैसे वक्त बीतता जाए ये चीज़ का मसला तो ट्रेन से ख़त्म ही हो जाए। खाना अगर आपको अरेंज करना है तो बेस्ट रहेगा आप कहीं से भी लेके आ रहे हैं, घर से आ रहे हैं घर से ले लीजिए, ऑफिस से आ रहे हैं तो जहाँ आपको पसंद हो वहाँ से ले लीजिए। ऑन बोर्ड एक बंदा तो घूम रहा है जो ऑर्डर लेने के लिए तैयार है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। पहली चीज़ तो लंबी जर्नी नहीं, कैसा क्वालिटी है, कैसी प्राइसिंग है, कंप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन इतना सब हुज्जतबाजी ये सब इतनी छोटी जर्नी में कहाँ करें। खैर, अब देखते हैं बोरीवली पे अपना अराइवल, और वहाँ पे तो ट्रेन फुल पैक हो जाएगी। अभी तो खाली सीट दिख रही, लेकिन खाली ट्रेन चलती नहीं। कभी कभार आपको फर्स्ट AC में ऑफ सीज़न में लास्ट मोमेंट पे मिल जाए तो मिल जाए, वरना मुझे लगता नहीं है कि इस ट्रेन में सीट खाली शायद ही कभी होती है।
फन। तो 8:26 पे अपनी ट्रेन पहुंची है बोरीली, और यहाँ पे तो खूब पब्लिक चढ़ रही है और अभी भी चढ़ रही है। खैर आपने तो पब्लिक अभी देखा ही अराइवल के टाइम की कितनी ज़्यादा रहती है, और इसमें लोकल पैसेंजर भी घुस जाते हैं क्योंकि ये ट्रेन विरार भी रुकती है, और स्टॉप्स तो मैंने आपको पहले ही बताया बहुत सारे हैं। फेयर मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, और सुपरफास्ट का ही फेयर लगता है क्योंकि सुपरफास्ट एक्सप्रेस कैटेगरी में आती है ये, और दूसरी चीज़ स्टॉप्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया। 8:30 पे हमारी ट्रेन बोरेली स्टेशन से चल दी। यहाँ पे एक्चुअली करीबन 5 मिनट रुक गई ट्रेन, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोग चढ़ते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है। और अब मैं आपको कुछ स्किप्स दिखाता हूँ। मुझे लगता है भयंदर और वसई पे तो ट्रेन की स्पीड काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए, और उसके बाद तो विरार पे हमारी ट्रेन रुकती है। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स देखते हैं और फिर पहुँचते हैं विरार, जो कि हमारा अगला स्टॉप है। ट्रेन हमारी पहुंच रही है विरार 9:05 पहले, यानी कि 8:56 हुआ है। 1 घंटा लगा है करीबन अंधेरी से विरार पहुंचने में। तो अगर आप लोकल ट्रेन से भी आएंगे तो करीबन उतना ही लगे, थोड़ा सा हो सकता है शायद ज़्यादा लगे। खैर पैसेंजर्स इसमें इसलिए ज़्यादा चढ़ जाते हैं क्योंकि लोकल ट्रेन में तो शाम के वक्त ज़बरदस्त ट्रैफिक रहता है, और यहाँ पर भी पब्लिक आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक इसमें से पालघर बोईसर धानू रोड की ही होगी। खैर अब मैं इस स्टेशन के बाद थोड़ा खान पान करता हूँ, और विरार पर हमारी ट्रेन खड़ी है, खान पान करता हूँ। अभी खाना खा लिया है और अब मैं जा रहा हूँ आराम करने, क्योंकि 9:30 के ऊपर हो चुका है। वैसे पालघर जस्ट निकल गया जब मैं खाना खा रहा था। खैर खाने के मामले में तो आपको बता ही चुका हूँ, अब देखते हैं सुबह कब ये पहुँचती है। छोटे से वीडियो को आपने आई होप इन्जॉय किया, फिर भी कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। चलिए अभी करता हूँ आराम और फिर मैं आपको बताता हूँ फाइनल पंक्चुअलिटी अहमदाबाद पे कब रहती है इसकी, और कैसी रहती है ओवरऑल एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ स्लीप, और क्या ये ऑप्शन आपको लेना चाहिए या नहीं। फाइंड आउट करते हैं अहमदाबाद पहुँच के। गुड नाइट फॉर नाउ। तो अपनी ट्रेन पहुंची है यहाँ पे 4:40 पे, तो डीले तो थोड़ा सा था जनरली, लेकिन इतना तो मैनेजेबल है। वैसे भी इतना अर्ली मॉर्निंग तो कोई काम जनरली रहता नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई फ्लाइट लाइट है तो इतना बस ध्यान रखें कि कैसे आपको यहाँ से मैनेज करना है, वो एक दूसरा काम रहेगा यहाँ से अगर एयरपोर्ट ये सब जाना हो तो। खैर आई होप लोग आपको पसंद आया हो, नींद कम्फर्टेबल थी, कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं थी। हाँ थोड़ा मनी नगर के पास लोग काफ़ी उतरते हैं तो वहाँ पर और डिस्टर्बेंस हुआ। छोटा सा व्लॉग था, मैं सोचा शेयर करूं ये जर्नी आपके साथ और कुछ इन्फॉर्मेशन। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर पूछिए। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कोई अगले व्लॉग में।